अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकबाल राजपूत और मेरे साथ हैं अली भाई और हमारे छोटू सकलैन और मेरा छोटा भाई लाल राजपूत। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक विंटर नाइट चैलेंज के नाम से शो, जो हम रात को शूट किया करेंगे। इस शो में हम एक गेम खेलेंगे और जीतने वाली टीम हारने वाली टीम को एक चैलेंज देगी, जो रात को उसको पूरा करना होगा। उस चैलेंज में हॉरर लोकेशन भी हो सकती है, उस चैलेंज में कोई वीरान सी खंडर या हवेली नुमा कोई जगह हो सकती है। तो बेसिकली आज के दिन हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, आज के दिन हमारे साथ हैं अली भाई, मेहमान के तौर पे हमारे शो में आए हैं। तो अली भाई आज हमें कोई चैलेंज देंगे, तो नेक्स्ट जो शो होगा उसमें आपको गेम भी दिखाएंगे, हम एक गेम खेलेंगे उसमें मेरे छोटे भाई बिलाल मेरे ऑपोजिट होंगे, ये दूसरी टीम में होंगे और एक मेरी टीम होगी एक बिलाल की। तो हम दोनों एक गेम खेलेंगे जिसमें जीतने वाली टीम हारने वाली टीम को चैलेंज देगी। तो आज का चैलेंज जो है अली भाई हमें देंगे। तो जी अली भाई, क्या चैलेंज है आज का हमारा? मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जब इधर अपनी पेन की जमीनें खत्म होती है ना, अगर की सुनसान सड़क जो है ना, उधर आपने जाना और 10 मिनट सुनसान जगह पर बैठ कर आना है। अच्छा, वो जो जिधर दूसरे गांव की जमीन शुरू होती है? हाँ जी, हाँ जी, उधर वो सुनसान सड़क। जी भैया, ये कौन सी वाली सड़क की बात कर रहे हैं? ये वहाँ पे जहाँ पे हमारी जमीन खत्म होती है, दूसरे गांव की जमीन शुरू होती है, वो वाली सड़क कह रहे हैं। जो मैं आपको बताता चलूँ, वो सड़क जो है दिन में भी बहुत थोड़े लोग यूज करते हैं, बस चारा वगैरह ले जाने के लिए। रात को तो बिल्कुल भी कोई यूज नहीं करता, बहुत ही वीरान सड़क है। और जी बिलाल भाई, थोड़ा मुश्किल पर चलो, हमें मंजूर है, जो होगा देखा जाएगा। पक्का? इंशाल्लाह कर लेंगे। कर लोगे? कर लेंगे इंशाल्लाह। कैमरे पे आप होगे और हम लोग फिर अल्लाह को याद करके चलते हैं और आप लोगों के साथ साथ शूट करके दिखाते हैं वो लोकेशन भी और ये चैलेंज। अच्छा, चैलेंज किस तरह का, मतलब वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना? हाँ जी, 10-15 मिनट बैठ के। अच्छा, तो मतलब चैलेंज इस तरह का है कि वीरान सड़क पे जाके हम लोगों ने कोई 10 मिनट स्पेंड करने हैं और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो ठीक है बिलाल भाई, आप कैमरा संभालो और हम लोग अल्लाह को याद करते हैं और चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ रहे। जी दोस्तों, मैंने कुछ सामान ले लिया है अपने साथ, ये डंडा जो अपनी हिफाजत के लिए, वैसे तो अल्लाह ताला का नाम लेके हमने शुरू किया, अल्लाह खैर करेगा। दूसरा ये है कि हिफाजत के लिए ज़रूरी है जानवरों के लिए। और ये टॉर्च ले ली है हमने थोड़ा सर्च करने के लिए, आगे पीछे कोई चीज़ देखने के लिए। तो ठीक है, आए हमारे साथ चलते हैं। भाई हम चैलेंज तो पूरा करने जा रहे हैं और उधर डर बहुत लग रहा है मुझे। हमें उन्होंने चैलेंज दिया है तो चैलेंज पूरा तो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इतना ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं, तो उधर बहुत अकेली जगह है, उधर कोई ना आता है ना जाता है, दिन को नहीं कोई आता जाता, अब तो रात है। कि या तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करो, अगर चैलेंज कर लिया एक्सेप्ट तो अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मानते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है सबसे बड़ी है, और हाफ ये कुरान है कि इस चीज़ से नहीं आज हम नहीं चाहता। ऊपर से सर्दी भी बहुत है। अच्छा बिलाल, जरा दिखा देना ये हमारे इधर, दिखा देना जरा, ये है कमाल की फसल। तो जानवरों का है थोड़ा बहुत डर, उसके लिए हमारे पास है डंडा, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। आए मेरे पास
यार सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा भाई, सर्दी लग रही है। अभी तो स्टार्टिंग है सर्दी की यार, अभी से इतनी धुंध आने लगी है, बाद में क्या पता नहीं बनेगा। आजो आजो जरा तेज आजो। ऐसे लगा मुझे लगा कुत्ते भी भौंक रहे हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा होगा ना तो जानवर होंगे, गिद्दड़ या सुअर होगा, और कोई चीज भी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी यार। और चीज बता दूं, कोई भी थोड़ी बहुत आवाज आए जानवरों की हो सकती है, तो आपने डरना नहीं और पैनिक नहीं होना, आराम से मुझे बता देना, कोई डर लगे ज्यादा तो बता देना। भाई जरा ये ध्यान रहे, यहाँ पर ना वो गिद्दड़ मेरे ख्याल से रहते हैं, ये जो ऐसी जगह होती है ना वहाँ पर गिद्दड़ रहते हैं। है यहाँ पे, मैंने दिन को भी देखा था, है गिद्दड़ वगैरह के सुराग बने हुए हैं, गिद्दड़ हो सकता है और दूसरे भी जानवर हो सकते हैं। और बाकी व्यूवर्स को बताता चलूँ कि गिद्दड़ बेसिकली तो बुजदिल जानवर है, इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन इस हालत में जब उसकी मादा बच्चे देती है तो वो ज़्यादा वैशी हो जाती है, क्योंकि इनसिक्योर होती है अपने बच्चों को लेके, वो ये सोचती है कि शायद मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो वो नुकसान पहुंचा सकती है, उससे जरा मुताब रहना होगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा आप भी ध्यान से जरा नीचे देखिए भाई, ये जगह तो है ही बहुत डरावनी। ओए ये क्या था पता नहीं। अच्छा अच्छा कुछ नहीं, ये टहनी टहनी थी, टहनी। तो दोस्तों को बता दें कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये सड़क बेसिकली दिन को यूज़ होती है, ये हमारी ज़मीन और दूसरे गांव की ज़मीन यहाँ से सेपरेट होती है, तो ये एक एक तरह का बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, दूसरे गांव की ज़मीन शुरू होती है। तो दिन को तो ये सड़क आप हमको शुरू कर सकते हैं, फिलहाल ज़रा बता देना आ रही है वहाँ पे कोई है। नहीं नहीं ऐसे ही लगा है मुझे। अच्छा ये जो सड़क दिन को बेसिकली यूज़ होती है, लोग यहाँ से जानवरों को चारा लेके जाते हैं और दूसरे अपने कामों के लिए इधर उधर ज़मीनों में जाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रात को इस सड़क पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा इसके बारे में है ऐसी बातें सुनने में आती हैं। ये आवाज़ किधर किधर लगा ना, पता नहीं भाई इधर कोई चीज लगता है, अल्लाह ही खैर करे। इधर लाइटें भी हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, वो दूसरे गांव का। भाई इधर से तो गुजरने की जगह भी थोड़ी सी है। कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है,
एक मिनट पीछे करना। ये लाइट कहाँ से आ रही है? कौन सी लाइट? ये मेरे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी लाइट की। आ जाओ आ जाओ। हम लोग पहुंचने वाले हैं। भाई ये गिद्धों की आवाज भी आ रही है इधर से, सुनाई दिए? कुछ नहीं होता यार, इतनी टेंशन ना लो। आज पहली वीडियो है तो इसमें इतना डरोगे तो आगे कैसे काम करेंगे? आज वाले कुछ नहीं। ओए आगे और भी खतरनाक जगह है, इतनी डरावनी। ऊपर से इतनी सर्दी यार, अभी तो सर्दी, अभी तो आई थिंक नवंबर का महीना है तो आपको इतनी सर्दी लग रही है? कोई नहीं, वो भाई डर भी है ना ऊपर से, वो डर का जो प्रेशर है इसलिए ऊपर से सर्दी भी लग रही है, अजीब सा माहौल बना हुआ है। जी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर दिखा रहे हैं, इधर भी दिखा दो। ये वो जगह है, ये वो जगह है, और है तो पूरी पूरी सड़क ही वीरान है, लेकिन स्पेशली जो भाइयों ने हमें चैलेंज दिया है वो यहाँ का दिया है, क्योंकि ये मिड में है, दरमियान में ये वाली जगह है, और यहाँ पे जानवरों की है वो बिल भी बनी हुई है गिद्ध वगैरह की, तो उधर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें ये है खतरा हो सकता है कोई चीज़ ऐसे नुकसान ना पहुँचाए। तो यहाँ पे हम तकरीबन 10 मिनट स्पेंड करेंगे। बिलाल मोबाइल है तो ज़रा दिखा दो, बल्कि ऐसा करो क्या इसको ट्राईपोड पे लगा दो इधर, और मेरे साथ ही आ जाओ मोबाइल पे दिखा देते हैं। जी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारी चैलेंज वाली जगह पर, और जानवरों की आवाज़ें हैं उधर कुत्ते बहुत। बिलाल को आप लोग देख सकते हैं, उसको थोड़ी ज़्यादा ही सर्दी लगती है, है सर्दी, ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं है, इधर से भाई आवाजें आनी शुरू हो गई हैं यार। एक तो आप आवाजें तो आएंगी यार, आवाजें तो क्या एकदम से। अच्छा ये है कि टाइम दिखा दो, मोबाइल है टाइम दिखा दो। हमें भाइयों ने जो चैलेंज दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने 10 मिनट स्पेंड करने हैं इस सड़क पे, वीरान सड़क पे, तो आए हुए हमें तकरीबन 10 मिनट तो हो गए होंगे, लेकिन अभी 5 मिनट हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी यार आपका इंटरनेट चलेगा यहाँ पे? इंटरनेट पर इधर नहीं चलने, इधर सर्विस नहीं आनी, कितनी दूर आए हुए। अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर इंटरनेट चल जाए ना तो आपको गूगल टाइम दिखा देता हूँ, अदरवाइज देखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों ने आज चैलेंज एक्सेप्ट किया था भाइयों का, भाई आज के लिए आए थे, नेक्स्ट हमारी टीम जो परिंदों की
तो इधर सर्विस इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको वैसे दिखा देते हैं। टाइम तकरीबन 9:15 हो चुके हैं, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है 9:19 होते हैं। तो बेसिकली गांव में 9:00 का टाइम तकरीबन आधी रात का टाइम हो जाता है, क्योंकि शहरों में तो लोग जागते रहते हैं, गांव में सर्दियों में स्पेशली लोग जल्दी सो जाते हैं। और हम लोग वैसे भी गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हैं, ये हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक चौंपड़ी बनाई है, वो आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे। तो ये स्पेशली हम लोगों ने ये नाइट विंटर नाइट चैलेंज के नाम से एक शो शुरू किया है, जिसकी आज पहली वीडियो। तो ये हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे ज़मीनों पे, गांव से ज़रा हट के। तो ये बेसिकली शो इसी तरह का होगा, नाइट व्लॉग्स होंगे, उसमें हम चैलेंज जैसे आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि चैलेंज दिया जाएगा एक टीम को, हारने वाली टीम को, जीतने वाली टीम चैलेंज देगी, और जो वो चैलेंज देगी तो हारने वाली टीम को वो मुकम्मल करना होगा। तो अभी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ठंड थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो भाई को तो वैसे भी ज़्यादा ठंड लगती है, पता नहीं आप वीडियो में आ रहे हैं लाइट की वजह से। टाइम नहीं हुआ, वो डर भी बहुत लग रहा है। बस 3 मिनट और रुकेंगे हम लोग, और लोग आखिरी का रास्ता पकड़ेंगे। बाकी आप लोगों को बताते चले कि जानवरों का डर है, और दूसरा ये है कि ये रास्ता डर है कि रात को आवाज आती है। ये रास्ता रात को लोग यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर चोरी वगैरह के लिए, या कुछ और भी ये रास्ता यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सुनसान रास्ता है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं। तो उनका भी थोड़ा बहुत है डर, बाकी अल्लाह खुद करेगा। बस ये 2 मिनट और हमारे पास, आज पहला चैलेंज था भाइयों ने दिया है। नेक्स्ट बिलाल भाई मेरे ऑपोजिट होंगे दूसरी टीम में, तो मैं इनको चैलेंज किया करूंगा और ये मुझे चैलेंज दिया करेंगे। तो देखते हैं आगे आके, आप लोग वीडियो चैनल को फॉलो करो, और अच्छे से चैलेंज लेके आएंगे हम लोग, और अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह नाइट के व्लॉग्स होंगे, ये विंटर नाइट चैलेंज। तो यार डराओ नहीं यार, ऐसे ड्रामे नहीं करो। अच्छा तो विंटर नाइट चैलेंज के नाम से हमारा ये शो है, तो ये हम तकरीबन वीकली अपलोड किया करेंगे स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम निकलता जाएगा तो हम इसको 1-2 दिन के बाद अपलोड किया करेंगे। क्या टाइम देख जाओगे, 1 मिनट रह गया हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, तो हम लोग यहाँ निकलेंगे अल्लाह ताला में खैरियत से।
जी तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टार्टिंग में हम वीकली ये एपिसोड अपलोड किया करेंगे, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हम इसको जल्दी लेके आएंगे, एक दो दिनों तक, मतलब दो दिनों का गैप डाल के वीडियो हम डाल दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह आप चैनल को और वीडियो को फॉलो करते रहें, आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, अच्छे अच्छे चैलेंज दिया करेंगे एक दूसरे को, और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर और इस तरह की वीरान जगहों पे हम लोग चैलेंज एक दूसरे को किया करेंगे और विजिट किया करेंगे। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। देख मिला टाइम हो गया जी, ये आप देख सकते हैं ये टाइम हो चुका है और हम लोग अभी निकलने लगे। अच्छा दोस्तों, हम लोग आज का चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं अल्लाह ताला के करम से, और कोई भी ऐसा, कोई अल्लाह ना करे इस तरह का फ्यूचर में भी ना मसला हो, अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं बना हमारे साथ। कि हाँ डर लगता है यार, मुझे भी डर लगता है, फिलहाल भाई को डर ज़्यादा लग रहा था, जानवरों का डर था, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। इसी तरह ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाते जाते हैं वापस जाने के लिए। ये जो आपको साथ बिलाल दिखाएं, इधर भी ये जो आपको साइड पे बिलाल ने दिखाया है, यहाँ पे इस घास के अंदर ज़्यादातर जानवर रहते हैं। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में ज़्यादातर जानवर कम ही निकलते हैं। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे गिद्दड़, सुअर और एक दो और जानवर हो सकते हैं, सांप वगैरह तो सर्दियों में नहीं निकलते। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप ये हमारे गांव की ज़मीन यहाँ से अलग हो जाती है, राइट साइड पे मेरे दूसरे गांव की ज़मीन है और लेफ्ट पे हमारे गांव की है। और ये जो आप छोटी सी नदी आपने देखी है, ये दूसरे गांव की ज़मीन है, जो है शराब करती है, नहर का पानी है। हम लोगों ने दरमियान में कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ठीक है तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपना कुत्ता जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि वो दूसरे गांव की ज़मीन थी ना साथ। तो लोग, मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग रात को रास्ते पे ज़्यादा नहीं जाते, बल्कि जाते ही नहीं हैं। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि चोर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो इसलिए हमने दरमियान में थोड़ी वीडियो स्किप कर दी है, बल्कि कैमरा ऑफ कर दिया था। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे, मतलब वापस पहुंचने वाले हैं। तो आज जी, तो हम लोग अपना चैलेंज कंप्लीट करके वापस झोंपड़ी में आ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये वीडियो पसंद की होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें दुआओं में याद रखें। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।